पाकिस्तान तो मैं अभी गई, सन 2021 में मेरी फेसबुक पे मुलाकात हुई थी बाबर बशीर से, जो मेरे हस्बैंड का नाम है। जवान हो रही है, बड़ी हो रही है, तो इसकी शादी वादी करा दो। शादी हुई तो शादी का मतलब तो मुझे पता नहीं ना, तो मेरे भी कुछ सपने थे मेरे शादी से, वही नहीं। तो लड़कियों को ये समझते हैं कि उनकी प्रॉपर्टी है, कि ना वो काम करता था, वो गाड़ियाँ उतारता था, जो कम्बल वम्बल आते हैं 100 रुपए मिल गए, 200 रुपए मिल गए। मैंने सुसाइड अटेम्प्ट 7 बार की। हाँ, पाकिस्तान का ऐसा है, यहाँ पे मेरा मेकअप है, वहाँ ससुराल है, मेरा आना जाना लगेगा। तो हर बार तो देखो मैं पुलिस चौकी के चक्कर नहीं काट सकती ना, अब पुलिस वालों का काम है एक बार में क्लियर कर दें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। पाकिस्तान के अबूटा से एक महिला महाराष्ट्र के ठाणे इलाके में अपनी माँ के घर आई है, जहाँ उसकी माँ बीमार है। इलाज कराने के लिए महिला पाकिस्तान से आई है। वही पुलिस अब इस महिला के खिलाफ शिकायत दर्ज कर जाँच शुरू करती है। महिला का नाम सनम खान उर्फ नगमा नूर मकसूद आलम है, मगर महिला ने बताया कि उसने अपना नाम जो है चेंज कर लिया। उसका नाम नगमा था, आधार कार्ड पर भी नाम उसने चेंज कर सनम खान रख दिया है। सनम खान की पहली शादी उत्तर प्रदेश में हुई थी और 2 बच्चे भी, मगर पति काम नहीं करता था, मारपीट करता था, जिससे परेशान होकर सनम अपनी माँ के साथ रहने लगी। मगर कोरोना काल के दौरान जो है सोशल मीडिया के ज़रिए पाकिस्तान में रहने वाले बशीर अहमद से इनकी मुलाकात हुई, दोनों में दोस्ती हुई, फिर मामला प्यार में बदल गया। और 2023 में सनम खान अपने दोनों बच्चों के साथ पाकिस्तान के बशीर के पास शादी रचाने के लिए चली गई। मगर यहां महाराष्ट्र के ठाणे इलाके में रहने वाली सनम खान की माँ की तबीयत अब ख़राब होने पर सनम अपनी माँ के इलाज के लिए भारत आई। वहीं पुलिस अब सनम खान की जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस ने शिकायत भी दर्ज की है, दस्तावेजों की जांच की जा रही है। वहीं सनम का कहना है कि उसकी शादी पाकिस्तान में हुई है, माँ भारत में है। पुलिस उसके दस्तावेज को अच्छे से जांच कर ले, ताकि उन्हें बार बार इससे ना गुजरना पड़े। पहले आपको सुनाते हैं कि सनम खान उर्फ नगमा नूर मकसूद आलम ने क्या कुछ कहा है, उसके बाद जोन 5 के DCP अमर सिंह जादव ने इस पूरे मामले को लेकर क्या बताया है। हाँ, नगमा उर्फ सरफ खान इसलिए हुआ, ज्यादातर सनम का बहुत नाम सुना था, सनम सनम सनम, पिक्चर मूवी भी बहुत देखी है सनम के नाम, बस सनम नाम पसंद था, पर नगमा मुझे शुरू से इतना ज्यादा खास पसंद नहीं था। तो इसलिए मैंने 15 में मैंने चेंज ही करवा लिया। एक्चुअली जब मैंने चेंज करवाया, मैंने अपनी माँ को भी नहीं बताया कि मैंने नाम चेंज करवा लिया। चेंज होने के बाद में तब मैंने मम्मी को बोला कि मैंने सनम खान करवा लिया, नगमा मैंने हटा दिया। आपका पूर्व इतिहास बताइए, नगमा का इतिहास, शादी, बच्चे, और कैसे वो शादी फिर आपने तोड़ दिया, किसी ने बता दी शादी का? हाँ, तो 2012 में यहाँ पे ज्ञानोदय में पढ़ रही थी, उस टाइम पे मेरे 8वीं के एग्जाम थे, मैं 8वीं के एग्जाम दे के छुट्टी पे गई। अब मैं जब छुट्टी पे तो हर कोई गांव जाता है, हर बच्चे का सपना होता है कि नानी के घर जाएं या कहीं पे भी घूमने जाएं, तो मैं वहां गई। उसके बाद मेरी मम्मी भी मेरे पीछे से आई, पर मेरी फैमिली वाले बोले कि मतलब लड़की है, जवान हो रही है, बड़ी हो रही है, तो इसकी शादी वादी करा दो, तू अकेली है, काम करती है वहां पे, इसको कौन देखता होगा। तो उन लोगों ने रिश्ता, मतलब मेरे सब घर वालों ने रिश्ता देखा और मेरी शादी करवा दी। अब मैं तो छोटी थी, ऐसे 2012 में मेरी शादी हुई, तो मैं इतनी बड़ी नहीं थी, 12-13 साल की थी। उसके बाद जब शादी हुई, तो शादी का मतलब तो मुझे पता नहीं ना, तो एक्चुअली तो शादी तो हो गई, पर शादी होने के बाद में मतलब मेरी तो मर्जी नहीं थी ना। अब जाहिर है इतनी छोटी सी लड़कियों के कितने सपने होते हैं, पढ़ाई के, हर एक चीज़ के सपने होते हैं, तो मेरे भी कुछ सपने थे मैं शादी से, वो ही नहीं थी। फिर भी मैं रही, मुझे मेरी माँ जो है वो भी मुझसे ज्यादा मिलने नहीं आई, क्योंकि ये रहे, अगर मैं मिलने जाऊंगी तो ये बार बार आने की जिद करेगी, वो भी इतना मिलने नहीं आती थी। तो शादी हुई, उसके बाद मैं अपनी ससुराल में रही, कुछ दिन रही, तो वो है ना, एक आदमी तो आदमी होता, उसकी शादी हो जाती है, अब वो अपना, ऐसे लड़कियों को ये समझते हैं कि उनकी प्रॉपर्टी है, चाहे उनकी मर्जी हो या ना हो, तो मतलब ऐसी जो जबरदस्ती मारना पीटना। उसके बाद ये मेरी बड़ी बच्ची हुई, तो मुझे वहाँ पे रहना पड़ा। ये मेरी बड़ी लड़की 2013 में हुई है, 19 दिसंबर को, तो मैं वहाँ पे रही, बच्ची थी मेरी, मैं रही। उसके बाद फिर भी वही मारपीट, लड़ाई, झगड़े, सब कुछ, फिर भी मैं बड़ी लड़की है ना, वो काम करता था, वो गाड़ियाँ उतारता था, जो कम्बल वम्बल आते हैं, 100 रुपए मिल गए, 200 रुपए मिल गए, अब उसमें तो घर नहीं चलता। इतना सही एक हॉल था, उसमें उसकी पूरी फैमिली, उसके भाई वगैरह सब रहते थे,
लड़ाई झगड़े रहते थे, मारपीट ये सब रहता था। उसके बाद मैं इधर आई, मेरी बड़ी लड़की जब 8 महीने की थी तो मैं इधर आई। मामा मुझे बोली जब उधर परेशानी हो रही तो इधर आके रहो। मैं उस इंसान को इधर लाई, वो 1 साल मेरे साथ रहा। उसने यहाँ पे भी कुछ नहीं किया, वो घर में ही पड़ा रहता था, घर में ही खाना पीना बस। वो उसको कोई मतलब नहीं काम से ना बच्चों से। मेरी माँ ने बोला चलो मैं जगह लेके देती हूँ, आप काम करके उसको बना लेना। तो मेरी माँ ने पैसे दिए जमीन के, 90,000 दिए। फिर भी वो कहते हैं ना मारपीट लड़ाई झगड़े। उसके बाद मैंने सुसाइड अटेम्प्ट 7 बार की, क्योंकि मुझे मतलब कौन लड़की रहेगी उसके साथ जबरदस्ती हो रही है, मारपीट हो रही है, कोई खुशी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो कौन रहेगा। उसके बाद मैंने सुसाइड भी अटेंड की, मेरे हॉस्पिटल का खर्चा भी मेरी माँ उठा रही है मेरे। पाकिस्तान वो तो मैंने पाकिस्तान तो मैं अभी गई। वो उसके बाद शादी का तो देखो सब हो गया। वो तो पहली शादी का मेरा, मैं बताया 2015 में मैंने नाम चेंज किया, अपनी मर्जी से अपनी खुशी से किया था। उसके बाद फिर मैं अपने हस्बैंड से अलग हुई, जब मेरी छोटी लड़की थी, वो छोटी थी बहुत, तभी मैं अलग हो गई थी। तो क्योंकि उसके बाद हमारा कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, कोई आना जाना नहीं, उसके बाद कुछ मतलब कुछ हुआ ही नहीं। उसके बाद कोरोना भी गया, सब कुछ हुआ। 2021 में मेरी फेसबुक पे मुलाकात हुई थी बाबर बशीर से, जो मेरे हस्बैंड का नाम है बाबर बशीर अहमद। उनसे मैं 2021 में ऐसी मई के टाइम पे मिली थी। उसके बाद हम 1-1.5 महीना फ्रेंडशिप में रहे थे। उसके बाद हमारा रिलेशनशिप हुआ। फिर जब हम सोचा कि शादी का, तो पहले हमने एक दूसरे को अपने बारे में सब बताया। मैंने अपनी शादी का, बच्चों का सब कुछ बताया। उन्होंने फिर अपना भी बताया, उनकी फैमिली में कौन कौन है, कौन कौन नहीं है, मतलब सब कुछ बताया। उसके बाद जब हमें लगा शादी मतलब ठीक है, इंडिया पाकिस्तान क्या रखा बोलते हैं, जब होगी तो देखा जाएगा आगे क्या होता है। फिर बोले अपनी अपनी फैमिलियों से बात कर लेते हैं। फिर मैंने अपनी माँ से बात की, उन्होंने अपनी फैमिली से बात की। फिर फैमिली वालों ने बोला कि हमें आपस में बात करनी है फैमिलियों में। तो हमारी फैमिली में आपस में बात हुई, वीडियो कॉल पे, वॉइस कॉल पे। फिर इन लोगों ने डिसाइड किया ठीक है, बच्चे खुश हैं तो हम भी खुश हैं। उसके बाद फिर मैंने अपने पासपोर्ट दिए बनने के लिए 23 में। 22 में हमारी फैमिलियों में बात हुई ना, तो हमने 23 में पासपोर्ट, मेरी माँ ने सपोर्ट किया, मुझे पासपोर्ट बनवाए मेरे मेरे बच्चों के। उसके बाद में फिर मैंने वीज़ा अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद सब लीगल तरीके से, जब सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर थे, इंक्वायरी वगैरह सब हो गई थी, उसके बाद मुझे वीज़ा मिला। तब जा आपकी सरकार से क्या मांगे, किस तरीके से आपके साथ जो है बाकी पुलिस पुलिस की क्या कुछ इंक्वायरी का तो मेरा यही है, मैंने यही बोला है आपको इंक्वायरी करनी है आप करें, बेशक करें, बट नाम का आप इशू कर रहे हैं तो नाम मैंने आपको कितनी बार बताया, मैंने 15 में चेंज किया है और अपनी मर्जी से चेंज किया, उसका कोई इशू नहीं है। और पाकिस्तान, हाँ ऑनलाइन भी मैंने नाम चढ़वा दिया अपना सनम का। अब पाकिस्तान का ऐसा है, यहाँ पे मेरा मेकअप है, वहाँ ससुराल है, मेरा आना जाना लगेगा, तो हर बार तो देखो मैं पुलिस चौकी के चक्कर नहीं काट सकती ना। अभी भी मैं अपनी माँ को देखने आई थी, मेरी माँ की तबीयत खराब थी, अब मैं 10-15 दिन के लिए आई हूँ। अब 10-15 दिन में मैं पुलिस के चक्कर काटती रहूंगी तो मैं अपनी माँ को हॉस्पिटल कैसे दिखाऊंगी। अब मैं हॉस्पिटल में पुलिस चौकी में भी बोली सर मेरी भी तबीयत खराब है, मेरी माँ की भी, मुझे हॉस्पिटल जाना है, पर वो लोग रात को 8 बजे छोड़ते हैं, तो कैसे मैं करूंगी। अब अगले महीने में मुझे जाना भी है, क्योंकि बच्चों का री एंट्री का वीजा है मेरा 1 साल का, और बच्चों का मैं एडमिशन करवा के आई हूँ वहाँ पे। यही है मेरा कि मतलब मैं आऊँ तो इतना हर बार का इशू तो ना बनाए ना। क्लियर तो देखो मैंने कर दिया है, मैं लीगल तरीके से गई हूँ, मैंने बोला भी है कि मैं आती जाती रहूंगी, क्योंकि जब तक मेरी माँ, मैं आती जाती रहूंगी, चाहे मैं महीनों में आऊँ, साल में आऊँ, 6-7 महीनों में आऊँ, वो मैं आती जाती रहूंगी। तो हर बार मैं पुलिस चौकी के चक्कर नहीं काट सकती। पुलिस वालों का काम है एक बार में क्लियर कर दें कि क्या है क्या नहीं है, एक ही बार में। ये काम तो मेरे जाने से पहले होना चाहिए था, वैसे जब मैं गई थी तब होनी चाहिए थी इतनी इंक्वायरी नाम की, मैं जाके भी आ गई, अब नाम का इशू बना रहे हैं, तो ये तो गलत बात है ना। पहले पहले कहाँ आते थे ये लोग, पहले करना चाहिए था। ठाण्यामध्ये एक महिला पाकिस्तानला जाऊन लग्न करून आलेली आहे, काय नेमकं पोलिसांमार्फत कारवाई करण्यात आलेली आहे? या प्रकरणामध्ये पोलीस स्टेशन वर्तनगर येथे गुन्हा दाखल करण्यात आला असून त्या अनुषंगानं सर्व स्तरावर पोलीस अधिकचा तपास करत आहे। सर ते डॉक्युमेंट जे आहेत, आधार कार्ड असेल किंवा पासपोर्ट, पॅन कार्ड, हे तिने कुठून बोलवलं? कारण की अशी माहिती मिळते की एका एजंटच्या थ्रू तिने बोलवलं आणि ती पाकिस्तानमध्ये गेली आणि पाकिस्तानहून तिला पुन्हा व्हिजा नव्हते भेटत म्हणून ती इंडियामध्ये। त्या अनुषंगानं सविस्तर तपास वर्तनगर पोलीस करत आहेत। सर एवढी मोठी जर घटना होत असेल तर मग काय त्यांनी डॉक्युमेंट्स किंवा काय त्यांनी त्यांच्यावर काय कारवाई केली? त्या अनुषंगानं तपास सुरू आहे, अधिकची माहिती आम्ही तपास पूर्ण झाल्यावर देऊ। चौकशी केली, चौकशीच्या माध्यमातून आतापर्यंत काय समोर आलं ती सविस्तर माहिती आम्ही तुम्हाला नंतर देऊ। उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन चालू है, उसके हम जो इन्फॉर्मेशन है डिटेल इन्फॉर्मेशन बाद में हम देंगे।
त्यानुषंगाने सर्व माहिती आम्ही तुम्हाला नंतर देऊ. उसके बारे में पुलिस स्टेशन वर्तक नगर में ऑफेंस रजिस्टर हुआ है, उसका इन्वेस्टिगेशन वर्तक नगर पुलिस कर रही है, उसका डिटेल इन्फॉर्मेशन हम आपको बाद में देंगे. वो सब इन्फॉर्मेशन हम बाद में देंगे. ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. थैंक यू. बाद में हम सब आपको इन्फॉर्मेशन दें. हम एक कंक्लूसिव एंड तक इन्वेस्टिगेशन आने के बाद आपको सब इन्फॉर्मेशन हम देने वाले हैं. उसके बारे में एफ आई आर दाखिल हुआ है, ऑफेंस रजिस्टर हुआ है, उसका इन्वेस्टिगेशन चालू है, वो बाद में हम देंगे. ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर. एफ आई आर कैसे संदर्भ दाखिल? थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू. ओके.